स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स और राइट्स ऑफ द सेक्रेटरी। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी काम तो करता है कंपनी के लिए, लेकिन उसके हाथ में कौन कौन सी पावर हैं, उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, देखिए, जब कंपनी सेक्रेटरी को कोई काम दिया जाता है तो साथ में उसकी अथॉरिटी भी दी जाती है। अगर नॉर्मल सी बात करिए, अगर हमें कोई काम दिया जाता है तो उसके साथ में उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दी जाती है। तो उसकी अथॉरिटी, उसके पास कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, ये बात करेंगे हम इस टॉपिक में। तो देखिए, पावर्स और राइट्स ऑफ द सेक्रेटरी। तो देखिए क्या है, द राइट्स दैट द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी हैज़ आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट दैट ही मेक्स विद द कंपनी। जो भी राइट्स हैं, जो पावर्स हैं कंपनी सेक्रेटरी के, वो कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ये उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किए गए हैं जिसमें कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके अंदर लिखी होगी कि कंपनी सेक्रेटरी को कौन कौन सी पावर दी गई है, कौन कौन से राइट्स हैं। अपॉइंटमेंट दैट ही मेक्स विद द कंपनी एंड सच राइट्स में बी आल्टर और ग्रांटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर सपोज करो कंपनी सेक्रेटरी को एक राइट दिया गया है, एक पावर दी गई है, उसमें चेंज करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। आगे है, सम राइट्स ऑफ सेक्रेटरी आर एज फॉलो। देखो कौन कौन से राइट्स हैं उसके। फर्स्ट, राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइजर। सुपरवाइज करने का और कंट्रोल करने का इनके पास राइट है। द कंपनी सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द कंपनी सेक्रेटरिएट एंड एज सच ही हैज़ द राइट टू एडमिनिस्टर, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द कंपनी सेक्रेटरिएट। जो कंपनी की पूरी सेक्रेटरिएट है वो उसका हेड है, कंपनी सेक्रेटरी उसका हेड है। तो जो जो नीचे वाले सेक्रेटरिएट होंगे सारे, उसको एडमिनिस्टर करने का, सुपरवाइज करने का और कंट्रोल करने का कंपनी सेक्रेटरी के पास क्या है, हक है, राइट है, पावर है। फॉर एग्जाम्पल, टू इंक्रीज द स्टाफ ऑफ हिज डिपार्टमेंट, अपने जो स्टाफ है इंक्रीज करना है डिपार्टमेंट का, टू असाइन देम देयर ड्यूटीज, रिक्रीट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाफ को अगर रिक्रीट करना है, भर्ती करवानी है, तो वो काम सीएस कर सकता है, असाइन देयर ड्यूटी, उनको ड्यूटी असाइन कर सकता है। एंड सुपरवाइज एंड कंट्रोल देयर परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द राइट ऑफ द सेक्रेटरी। और सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना उनकी परफॉर्मेंस को, उनके ऊपर निगरानी रखना, ये राइट है सेक्रेटरी का। दूसरा राइट देखिए, राइट एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर के रूप में उसका राइट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 259 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्रेटरी इज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 259 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर ये दिखाया गया है कि, बोला गया है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी है। एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ही हैज़ टू साइन मैनी डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी। मतलब ये काफ़ी सारे ऑथेंटिकेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं कंपनी के, उन पर साइन करता है। ही आल्सो हैज़ द राइट टू इशू एनी सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के बिहाफ पे कोई सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है, ये भी इसके पास अधिकार है। ही कैन कॉरेस्पॉन्डेंस विद आउटसाइडर एंड यूटिलाइज द कंपनीज कैपिटल इन एनी मैनर ही डीम्स फिट एंड इन द कंपनीज इंटरेस्ट। एक कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर कोई भी मैनर यूज कर सकता है, जो कंपनी के इंटरेस्ट में फिट बैठता है, कंपनी की कैपिटल भी यूटिलाइज कर सकता है, इसके पास इतना हक है। ठीक है, इतने राइट्स हैं, इतने पावर हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, राइट्स टू क्लेम सैलरी। सैलरी को क्लेम करने का राइट है, सैलरी लेने का अधिकार है इसके पास। अ सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड सच हैज़ द राइट टू रिसीव अ सैलरी। देखिए, कंपनी का एम्प्लॉय है तो इसको राइट होगा कि ये सैलरी रिसीव करेगा। इन केस ऑफ द कंपनीज वाइंडिंग अप, जैसे ही कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब बंद होती है कंपनी, द सेक्रेटरी हैज़ अ राइट टू रिसीव हिज सैलरी एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। देखिए, प्रेफरेंशियल यानी इसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसकी सैलरी दी जाएगी अगर कंपनी वाइंड अप भी हो रही है, तभी इसको प्रेफरेंस मिलेगी इसकी सैलरी देने के लिए। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट राइट इज अवेलेबल ओनली टू अ होल टाइम।
इस रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट नोट कर लिया जाए कि राइट इज अवेलेबल ओनली होल टाइम सेक्रेटरी। देखिए सेक्रेटरी दो टाइप से रखे जाते हैं, पार्टली ओन सेक्रेटरी भी रखा जाता है और होल टाइम सेक्रेटरी भी रखा जाता है। होल टाइम मीन्स वो अपना एम्प्लॉय के रूप में हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है, तो ये जो राइट है ना, जो प्रेफरेंशियल राइट है, वो होल टाइम सेक्रेटरी को मिलेगा। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट होल टाइम सेक्रेटरी नॉट अ पार्ट टाइम सेक्रेटरी सच वर्डिक्ट हैज बीन गिवन इन द केस ऑफ कार्ने वर्सेस ब्लैक। बिसाइड दिस, इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द टर्म्स ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ही हैज अ राइट टू क्लेम अप्रोप्रिएट डैमेज फ्रॉम द कंपनी। देखिए अगर उसको ऑफिस में कोई कॉन्ट्रावेंशन की वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही, मतलब जो टाइम पीरियड गिवन था उससे पहले ही उसको निकाल देते हैं, तो कंपनी जो भी उसको डैमेज होता है वो उसको पे करेगी, क्लेम कर सकता है वो कंपनी से। ठीक है, राइट टू इशू सर्टिफिकेट। देखो हमने अभी पहले बात करी है कि इसको ये कोई सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है कंपनी के बिहाफ पर। इन दिस कोर्स ऑफ इट्स नॉर्मल बिजनेस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू वेरियस काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट टू इट्स ऑफिसर्स। देखिए नॉर्मल बिजनेस डे टू डे रूटीन में क्या है, कंपनी रिक्वायर्ड टू इशू, कंपनी को बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं अपने ऑफिसर्स को। सर्टिफिकेट्स विच आर रिलेटेड टू द कंपनीज पॉलिसीज, जो कंपनी की पॉलिसीज से रिलेटेड हैं ऐसे सर्टिफिकेट, एंड आर विद इन द स्कोप ऑफ द सेक्रेटरीज राइट, और सेक्रेटरी के राइट्स या अधिकारों तक निश्चित होते हैं, मतलब उसका स्कोप वहीं तक होता है, आर इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी अंडर हिज सिग्नेचर। और वो ऐसे जो सर्टिफिकेट हैं वो कंपनी के सेक्रेटरी द्वारा इशू किए जाते हैं, लाइक अ सर्टिफिकेट इशूड द कंपनी शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर स्टेटिंग द कंपनीज इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और अ सर्टिफिकेट टू द कंपनीज एम्प्लॉयज अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। देखिए कौन कौन से कर सकता है, लाइक जो शेयर होल्डर के सर्टिफिकेट हैं, डिवेंचर होल्डर के सर्टिफिकेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, ये उनको क्या करता है, इशू करता है, इनके पास राइट होता है, अपने सिग्नेचर के अंडर उसको क्या करता है, इशू करता है। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंपनीज बिहाफ, कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है ये। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 इन केस द सेक्रेटरी हैज द कंपनीज अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज फॉर द सेल और परचेज ऑफ द गुड्स। ये कंपनी के बिहाफ पे सेल और परचेज कर सकता है गुड्स की और प्रॉपर्टी की और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट अंडर हिज सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर के अंडर ये कर सकता है। ये इसके कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब इसके पास राइट होता है कंपनी के बिहाफ पे ये अपने सिग्नेचर करके क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी थर्ड पार्टी से। ठीक है, राइट टू कॉरस्पॉन्ड ऑन कंपनीज बिहाफ, कंपनी के बिहाफ पर ये कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। अ कंपनी हैज टू कॉरस्पॉन्ड विद आउटसाइडर्स ऑन वेरियस इशू, कंपनी को देखो बहुत सारे इशूज पर कॉरस्पॉन्ड करना पड़ता है बाहर वाले लोगों के साथ आउटसाइडर्स साथ। द सेक्रेटरी हैज़ द राइट टू कॉरस्पॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। देखिए कंपनी ये सेक्रेटरी है वो क्या करता है, कॉरस्पॉन्ड कर देता है कंपनी के बिहाफ पर। सम ऑफ द कॉरस्पॉन्ड द सेक्रेटरी डज ऑन हिज ओन, कुछ कॉरस्पॉन्ड सेक्रेटरी अपने खुद के बिहाफ पर कर लेता है। वाइल ही मे रिक्वायर द डायरेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स, और दूसरे को करने के लिए उनको डायरेक्टर्स की पहले जो मतलब उनकी परमिशन लेनी पड़ती है उसे रिगार्डिंग किया जाता है। सेवंथ, राइट इन रिलेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड राइट कौन कौन से हैं इनके पास। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 इफ द सेक्रेटरी इज एक्टिंग अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। देखो अगर एक सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी है एक्ट कर रहा है अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के, मतलब उसके पास या तो एक्सप्रेस बोली गई अथॉरिटी मिल गई है उसको या फिर उसके ऊपर अथॉरिटी अपने आप बन गई है, इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गई है ऑफ द कंपनी, ही मे एक्सेप्ट और ड्रा एंडोर्स ऑन द कंपनीज बिहाफ। ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है, आगे किसी को एंडोर्स भी कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के बिहाफ पर। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और हुंडी टाइप के। ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंट द कंपनी, कंपनी को रिप्रेजेंट करने का राइट। वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंपनी टू पार्टिसिपेट इन एनी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स सेक्रेटरी। अगर कोई ऐसी मीटिंग होती है जिसमें
अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है तो कौन कौन कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, उसके पास ये राइट होता है। अदर राइट्स देखिए क्या क्या राइट्स हैं। इफ़ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इट्स आर्टिकल सो ऑथराइज द सेक्रेटरी में गारंटी एनी शेयर सर्टिफिकेट, इन्वाइट द ये कोई भी शेयर सर्टिफिकेट को गारंटी दे सकता है, पब्लिक इशू को इन्वाइट कर सकता है कंपनी के शेयर में आके वो इन्वेस्ट करें, कॉल द कंपनीज मीटिंग बुला सकता है कंपनी की, और रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ द कंपनी शेयर, और कंपनी के शेयर को रजिस्टर करवा सकता है, ट्रांसफर जो भी हुए हैं कंपनी के शेयर उनको रजिस्टर करवाने के रिगार्डिंग इसके पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा राइट्स ऑफ सेक्रेटरी। अगर पेपर में आता है राइट्स ऑफ सेक्रेटरी या आता है पावर्स ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये आंसर लिखना है।